Dear students, once again welcome back to my online class. Dear students, I am Rahul Rajput, your math teacher of LPN Public School. And today we are going to discuss about the new topic, that is properties of division. Yes, previous topic पे हमने previous क्लासों में हमने बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कस किया है, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन. एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन. दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो डियर स्टूडेंट, लुक एट द राइटिंग बोर्ड. सम इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी राइट डाउन इन योर बोर्ड. सो डिवीजन इज एक्चुअली the reverse process of multiplication. Mind this, dear student, mind this. Division is actually the reverse process of multiplication. And division refers to dividing a set into the equal part, where multiplication refers to joining several equal सेट्स टूगेदर. डियर स्टूडेंट, किसी भी बड़े नंबर में, बड़े अमाउंट में अगर कोई भी प्रोडक्ट दिया हुआ और उन्हें सेवरल बराबर बराबर भागों में अगर बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ऐसे वर्ग में हमें क्या करना पड़ता है? डिवीजन करना पड़ता है. अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, इन जनरली डिवीजन रूल इज dividend is equal to divisor, quotient, and remainder. There are four different names. Write down in your note. The first, dividend; second, divisor; third, quotient; and last, that is fourth, remainder. आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे हम डिवीजन के प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, और अगर हमारा डिवीजन हो चुका है तो उसके आंसर को कैसे हम करेक्ट मानेंगे, कैसे हम जानेंगे कि हमारा आंसर कंप्लीट राइट है या फिर रॉन्ग है. एक क्वेश्चन लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, और जैसे हमारे जो स्टेटमेंट दिया गया है उसे हम फॉलो करते हैं. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3468. The first question, 3000 minus, अभी हम दो वर्क इसमें करेंगे. फर्स्ट हम डिवीजन का वर्क करेंगे, देन आफ्टर हम चेक करेंगे कि हमारा जो डिवीजन प्रोसेस है वह राइट है या रॉन्ग है. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3468 डिवाइडेड बाय 23. अगर हमारा ये क्वेश्चन दिया है 3468 डिवाइडेड बाय 23, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं. सेम जैसे हम प्रीवियस क्लासों में करते आए हैं उसी तरीके से हम इसके स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे. तो 23 एंड 3468. Dear student, बहुत आसान है. 23 is your divisor. Mind this, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं. 23 is your divisor and 3468 is your dividend. Two different word, dividend and divisor. ये दो यहाँ पे अलग अलग वर्ड यहाँ पे दिए गए. फर्स्ट हमारा डिवाइजर है और जिसमें हम डिवाइड करेंगे वो हमारा क्या है? डिविडेंड. हमें क्या करना है? कोसेंट एंड रिमाइंडर. हमें टू चीज फाइंड आउट करने हैं, कोसेंट एंड रिमाइंडर. फर्स्ट 23 इज योर डिवाइजर एंड 3468 इज योर डिविडेंड. फर्स्ट ऑफ ऑल 23 is less than 34. So once again, 23
23 कर सकते हैं, मोर हो जाएगा तो 23 माइनस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 एंड 3 माइनस 2 इज इक्वल टू आल्सो 1. द प्रोडक्ट इज 11 एंड 11 इज लेस देन 23, सो ब्रिंग डाउन 6 एंड टोटल नंबर इज 116 एंड 23 हम 5 टाइम करते हैं तो 5 3 जा 15 5 एंड 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 1 कैरी 5 3 जा 15 5 1 कैरी 5 2 जा 10 एंड 1 11 माइनस 6 माइनस 5 is equal to 1 and 1 minus 1 is equal to 0, 1 minus 1 is equal to also 0 and the new number 8 bring down in this place and total number is 18 is also less than 23. So dear student, yahan pe dhyan denge 18 is your remainder minus, ab iske aage hum kuch nahi karenge. 18 is your remainder and यहां पे देखिए क्या करेंगे, अभी remainder भी नहीं है, is 23 0 जा 0 minus 1 and 8. अब यहां पे हमारा कंप्लीट फिनिश हो चुका है. देखते हैं 23 4 minus 3 is equal to 1 and 3 minus 2 is equal to also 1. Then after 6 bring down and total number is 116. Then after 23 5 is 115 because 5 3 is 55, 5 2 is 10 and 1 11. 116 minus 115 is equal to 1 because 6 minus 5 is equal to 1, 1 minus 1 is equal to 0 and 1 minus 1 is equal to also 0. Then after 23 0 the 18 because 8 bring down in this place and total number is 18. Then after 23 0 the 0, 18 minus 0 is equal to 18. Now PN student, 115 is your quotient minus 115 is your quotient. And 23 is your divisor. Okay, 23 is your divisor. 150 is your quotient, and 3468 is your dividend. And last 18 is your remainder. Okay, so once again 23 is your divisor, 150 is your quotient and 3468 is your dividend and last that is your remainder, 18 is your remainder. And dear student, thereafter check the answer. इसके बाद हम आंसर को चेक करेंगे. कैसे हम आंसर चेक करते हैं आइए देखिए. क्लियर, आइए आंसर को कैसे चेक करेंगे. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट एंड प्लस रिमाइंडर. हमें डिवाइजर को यानी डिवाइजर डी मल्टीप्लाई कोसेंट क्यू एंड प्लस आर फॉर रिमाइंडर. अगर हमें डिविडेंड को फाइंड आउट करना है तो डी फॉर डिवाइजर डी मल्टीप्लाई कोसेंट एंड प्लस रिमाइंडर. डी डिवाइजर हमारा आया है कितना 2323 मल्टीप्लाई कोसेंट इज इक्वल टू 150 राइट डाउन एंड देन आफ्टर ऐड रिमाइंडर एंड रिमाइंडर इज 18. क्लियर है, बिल्कुल आसान है. 23 मल्टीप्लाई 150
9 प्लस 18। अभी हम यहाँ पे आंसर को चेक कर रहे हैं, ये हमारा प्रोसीजर जो डिवीजर का है, डिवाइड का प्रोसीजर है, वह रॉन्ग है या राइट है, हमारा जो क्वेश्चन आया है वो रॉन्ग है या राइट है, हमें चेक कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, चेक करने के बाद हम डिविडेंड इज इक्वल टू डी डी डिवाइजर एंड टू क्वेश्चन आर रिमाइंडर। द वैल्यू ऑफ डिवाइजर इज इक्वल टू 23, यू नो वेरी वेल, एंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन इज इक्वल टू 150, and last value of remainder is equal to 80. And use of D marks, use of formula D marks. So first of all multiply 150 multiply 23. Okay, हम multiply यहाँ पे करते हैं 150 multiply 23. 3 0 0, 3 5 50, 5 1 carry, 3 1 3 and plus 1 4. One step cross. Once again, 150 multiply by 2. 2 0 is a 0. 2 5 is a 10. 0 once again. 1 carry. 2 1 get 2 and 1 3. And then after add both number 0 5 0 5 4 0 4 and 3. The product is 3450 and plus 18. Okay, the product is 3450 and plus 18, and the second one is 18 plus 3450. 8 plus 0 is equal to 8, 5 plus 1 is equal to 6, 4 bring down and 3 also bring down, and the product is 3468. And dear friend, your dividend value is also given here, 3468. So the procedure will be absolutely right. Our answer, our question and reminder is absolutely right. I hope clear to everyone. Dear student, I am repeat once again, your question is given here, 3468 divided by 23. स्टेप को फॉलो करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ नंबर राइट डाउन इन योर प्रॉपर प्लेस, यू नो वेरी वेल 23 इज योर डिवाइजर एंड 3468 इज योर डिविडेंड। वी हैव टू फाइंड आउट कोसेंट एंड रिमाइंडर एंड देन आफ्टर चेक द आंसर अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ दिस फार्मूला। एंड योर फार्मूला गिवन हियर, डिविडेंड इज इक्वल टू divisor multiply quotient and plus remainder. So first of all 23 ones are 23, 34 minus 23 is equal to 11, because 4 minus 3 is equal to 1, 3 minus 2 is equal to also 1. Then after 6 bring down, because 23 is greater than 11 and 11 is less than 23, so we have to bring down 6 and total number is 116. And then after 23 5s are 150, because 5 3 are 15, 1 carry, and 5 2 are 10 and 1 11. 116 minus 115, dear student, 116 minus 115, we get the product is 1. And then after 8 bring down and total number is 18. And dear student, you know very well, 18 is also less than 23. So 23 0 is 0 and 18 minus 0 is equal to 18. And 18 is your remainder and your quotient is equal to 150. We have to find out two new product, your quotient, the value of quotient is equal to 150 and the value of remainder is equal to 18. And then after we are going to discuss about the check your answer. And use of the formula in your check your answer, dividend is equal to divisor multiply quotient and plus remainder. D for divisor, Q for quotient and R for remainder. The value of D is equal to 23 and the value of quotient is equal to 150 and the value of remainder is equal to 80. First of all, use the D mass formula. Use a method D mass. First of all, multiply and then after that. 23 multiply 150
get the product is 3450 and plus 18. Then after add both number and we get the product is 3468. And dear student, you know very well 3468 is your dividend. So our solution is absolutely right. I hope clear to everyone. Dear students, some questions already given in your test book related to this topic. First of all, mind this all statement and then after solve one by one all questions. Okay? I hope ये topic सभी को clear हो चुका है. आपके test book में बहुत सारे questions दिए गए हैं, उन्हें आप solve करेंगे. अगर problem होती है तो हमारे comment box में हमेशा की तरह जरूर question पूछेंगे. तब तक के लिए take care and goodbye.